तो आज जो है IMA सेंट्रल की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स का वन डे का स्ट्राइक डिक्लेयर किया गया था। इसी के अंतर्गत IMA अरुणाचल प्रदेश ने भी आज स्ट्राइक का आयोजन किया है, जिसमें सारे जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, OPD हो गया, उसके बाद इलेक्टिव सर्जरीज यानी कि रूटीन सर्जरीज हो गया, ये सब सर्विसेज हम लोगों ने बंद रखा है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सारे हॉस्पिटल्स में आपने जाके देखा ही होगा, सारे के सारे स्ट्राइक में लगे हुए हैं। आरके मिशन हॉस्पिटल यहाँ ट्रिम्स में, उसके बाद हीमा हॉस्पिटल, निभा हॉस्पिटल, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में भी सारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं हमारे, तो वो उन लोगों ने भी अपना जो PD और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद रखा है। तो स्ट्राइक 24 आवर्स का है, जो कि 6 बजे आज सुबह से शुरू हुआ और कल सुबह का 6 बजे तक चलेगा। और अभी तक तो अच्छी तरह से चल रहा है, सब लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा है। सिर्फ यही नहीं है, हम लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का भी, और जो अलाइड हेल्थ सर्विसेज का जो एसोसिएशन से उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है। हम लोगों को विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी ऑफिशियल लेटर आया, सपोर्ट लेटर आया है, प्लस ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका भी हमें सपोर्ट लेटर मिला है। तो ओवरऑल में और इंडियन डेंटल एसोसिएशन का भी सपोर्ट मिल रहा है, और इनफैक्ट वो लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल में ये बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्राइक है। इससे पता लगता है कि लोगों का सेंटिमेंट कितना है, आक्रोश कितना है इस इंसिडेंट के प्रति, क्योंकि एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो कि अपना ड्यूटी सिंसियरली कर रही थी, उनका इतनी बुरी तरह से हत्या और रेप करना, ये बहुत बड़ा मतलब दर्दनाक हादसा है, और ये मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इफ हॉस्पिटल इज नॉट ए सेफ प्लेस टू वर्क, वेयर एल्स कैन वी फाइंड सेफ्टी, स्पेशली फॉर वुमेन फोक हु वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस एट ऑड आवर्स। तो हम लोगों का डिमांड यही है कि सेंट्रल IMA की तरफ से भी एंड अक्रॉस ऑल द डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी और एलाइड हेल्थ सर्विसेज का, ये कि एक सेफ जोन हॉस्पिटल को डिक्लेयर करना चाहिए विद एडिक्वेट CCTV कैमराज, एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स, एज वेल एज जो वर्किंग एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल शुड रियली बी इम्प्रूव्ड। देयर शुड बी प्रॉपर वॉशरूम्स, प्रॉपर रेस्ट रूम्स फॉर डॉक्टर्स, और इस प्रकार से जो एक वर्किंग जो एक ऑप्टिमम एटमोसफियर चाहिए, तभी हम लोग अपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर, आप अरुणाचल प्रदेश का मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है, कलकत्ता में जो हुआ वो हम लोग भी काफ़ी दुखी है, लेकिन क्या लगता है कि OPD को बंद करना जायज़ है क्या? पूरा हिंदुस्तान आज मेडिकल फैटर्निटी आज हड़ताल पर है, आज नहीं लगता अरुणाचल में भी काफ़ी लोग सफ़र हो रहे होंगे आप लोगों का वजह से? इतना बड़ा हादसा जितने पूरा सारे भारत को झकझोर के रख दिया है, इसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ब्लैक बेजेस वेयर करने से कुछ होता नहीं है, एक सिम्बोलिक जेस्चर होता है। और इसमें केवल हम लोगों का मुद्दा नहीं है, ये एक पब्लिक सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि हम लोगों को सपोर्ट ऑल अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सपोर्ट मिल रहा है। तो इवन पेशेंट्स लोगों ने भी हमें इवन पर्सनल मैसेज में भी बहुत सारे उन्होंने भी अपना प्रति सहानुभूति जताया हमारे साथ, उसके बाद सपोर्ट लेटर्स भी उन्होंने दिया है वेरियस एसोसिएशंस ने। इससे पता लगता है कि लोग चाहते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स हो गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो हमें नहीं लगता कि पेशेंट्स को कुछ भी तकलीफ हुआ होगा, और इमरजेंसी सर्विसेज डिलीवरी तो सब चल ही रहा है, इंडोर सर्विसेज चल रहा है और इमरजेंसी ऑपरेशंस चल रहा है, तो जो रूटीन सर्विसेज है उसी को हमने बंद रखा है। बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड टू सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो ये जो है, ये बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, इट्स नॉट वन ऑफ इंसिडेंट, सच इंसिडेंट्स हैव हैपेंड बिफोर ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पेरेटिव ऑन आवर पार्ट दैट वी स्ट्रॉन्ग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट्स, whoever is in charge, because and my health is a state subject. तो इसलिए जो है even the health scenario में जो state government से they need to pull up their socks. जब आप state subject का बात किया तो अरुणाचल प्रदेश में तो लगता है हमको काफ़ी strong law बनाया है doctors लोगों को मदद करने के लिए, support करने के लिए, physical assault से justice दिलाने के लिए, आपका क्या राय है इसका ऊपर में? Yes, we are very thankful to the अरुणाचल government. उन्होंने 2019 में अरुणाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया है स्टेट में, जो कि वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जिन्होंने लागू किया है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ जिसमें नॉन बायलेबल वारंट दिया जाता है कोई भी इंटिमिडेशन, इवन इंटिमिडेशन अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड एनी स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। तो वी आर थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने असेंबली में पास करके उसे लॉ बनाया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज है इंडिया में। सच ए लॉ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द सेंट्रल लेवल, जिसके लिए सेंट्रल IMA फाइट कर रहा है।
दैट इज़ वेरी गुड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई थिंक वी हैव कंपेयर टू अदर स्टेट्स वी हैव प्रीटी गुड कंडीशंस वर्किंग कंडीशंस इन आवर स्टेट। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर डॉक्टर लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए CCTV ये सब होना चाहिए हर हॉस्पिटल में सर, तो लेकिन सर कैपिटल में तो जैसे TRIMS हो गया, TRIMS में तो लगभग है सर, लेकिन बहुत सारा सर जो इंटीरियर में जो ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, ये सब छोटा मोटा जो हॉस्पिटल जिसमें कभी कभी इमरजेंसी डॉक्टर लोग बैठते हैं सर, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए, क्या अपील रहेगा सरकार से? हमारा यही अपील रहेगा गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट को कि मतलब आपने सही बोला क्योंकि इंटीरियर प्लेसेस में भी डॉक्टर्स लोन डॉक्टर जो वर्क करते हैं नाइट आवर्स में भी वर्क करते हैं, तो एटलीस्ट एक CCTV कैमरा तो प्रोवाइड करना चाहिए। सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू, तभी तो आप एक वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तभी तो डॉक्टर्स लोग अपना ऑप्टिमम जो सर्विस दे पाएंगे ना। फियर साइकोसिस में कुछ अपनी अपना जो पोटेंशियल जो है डॉक्टर्स पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो है सिक्योरिटी इज़ ए प्राइम इशू एंड प्राइम कंसर्न एंड एटलीस्ट CCTV कैमरा शुड बी इंस्टॉल इन ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बी इट इन अ रूरल प्लेस और इन एन अर्बन प्लेस। तो हमारा गवर्नमेंट से भी ये अनुरोध है कि इसको अच्छी तरह से देखा जाए, और मैंने हम लोगों ने उस दिन भी बोला था प्रेस रिलीज में भी कि प्रायोरिटाइज किया है सर्विस को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ साथ सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज किया जाए, दैट इज़ आवर डिमांड। देखिए ये आज का जो ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ हमारा डॉक्टर्स का सिर्फ नहीं है या कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो भी हिस्सा उसका नहीं है, ये एक बेटी को जो है जो जिस तरह से जिस निर्मम ढंग से उसको जिस तरह से उसको रेप और जो मर्डर किया है वो जो है सारा हिंदुस्तान को जैसे कहा है कि झकझोर के रख दिया है। उसको सिक्योरिटी अगर उसको नहीं मिलेगा तो आप किस तरह से आप अपने बेटियों को एक मतलब आगे बढ़ाएंगे। ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो हॉस्पिटल्स में इस तरह का जो वायलेंस जो है ये हमेशा होता आ रहा है, और आप आए दिन आपने भी हर बार आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, हर बार होता है हमारे स्टेट में भी होता है और बाकी ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे होता है, लेकिन स्पेशली जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारे स्पेशली हमारे गर्ल्स लेडीज़ के लिए, तो ये आप ये चीज़ को आपको हमें चाहिए ये चीज़। तो ये जैसे कि आज का दिन आज एक हमने जो रेगुलर सर्विसेज जैसे कि रूटीन सर्विसेज को हमने आज में ये किया है, हमने आज में विदड्रॉ किया है जिसमें कि OPD और जो इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह OTs वगैरह वो उसके लिए और नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को हमने खोल के रखा है। तो ये इसके एक दिन का जो OPD का जो अगर इसमें देखिए आपको इतना तकलीफ़ होता है तो जो आप सोचिए कि उस इन्वायरमेंट में हम लोग हमारे जो डॉक्टर्स जो है या मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो स्टाफ सिस्टर्स हो गया जो नर्सेस हो गया बाकी हो गया वो उसमें रोज़ के उनको कितना तकलीफ़ होता होगा। तो ये चीज़ जो है आम आदमी को भी जानना है, हमें खेद है बिल्कुल खेद है जो एक पेशेंट जो मरीज जो है जो कि दूर से भी आए हैं या यहीं से भी आए जो कि जो आज जिनको दिखाना था जो OPD में दिखाना था वो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी भी आप हमारे साथ में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भी है अभी भी यहाँ पे इमरजेंसी में आज भी पेशेंट आया है और दो पेशेंट का आज में एडमिशन भी हुआ है जिसका माइक्रो इन्फेक्शन का कुछ चांस था उनका करके हमारा बेड साइड जो इको किया है। हमने सर्विसेज में हम रूटीन सर्विसेज हमने थप किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल पेशेंट नहीं देखेंगे। हमारे जो ऑन कॉल ड्यूटीज़ जो है मेडिसिन के सर्जरी के जो या जो भी ENT जो सारे जो स्पेशलिटीज़ के सारे बैठे हुए ऑन कॉल रहते हैं वो लोग जरूर आएंगे और आ भी रहे। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट अभी भी जैसे उन्होंने एडमिट किया है, तो हमें पेशेंट के लिए हम लोग सर्विस को हम नहीं रोक रहे। हमारे इंडोर सर्विसेज जो चल रहा है इंडोर पेशेंट में हमारे डॉक्टर्स लोग राउंड लेके आ रहे हैं, आप खुद देख भी रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पे जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में आप दिख रहा है या न्यूज़ में आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो इसको जो ज़्यादातर जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं देंगे क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और हम तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हम ये कर हम सिर्फ ये हम आग्रह कर सकते हैं हम लोग कि आप जल्द से जल्द इसमें न्याय दिलाएं। ज़्यादा पॉलिटिक्स अंदर यहाँ पे करोगे तो उसी तरह से और मामला बिगड़ते जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फेज है 24 आवर्स का जो है और हम ये बोल रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सेकेंड फेज आएगा थर्ड फेज आएगा, तो हम और इसमें बीच में कौन पिसता है सर, जो हमारा जो आम जनता पिसता है जो इनोसेंट जो पेशेंट जो वो पिसता है। तो इसीलिए हम बस हमारे तरफ से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं।